आकलन करना होगा, करना होगा, करना होगा। झूठी राम बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोटी दे न सके, रोटी रोटी दे न सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक सदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निर्माण विभाग से जिंदाबाद।
छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी पांच सूत्री मांग को लेकर 11 जून 2023 को एक विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव का आयोजन तूतामाना में कर रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने एवं किसी की छंटनी नहीं करने तथा आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार हमारे बारे में किस प्रकार की विचार नहीं कर रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफ़ी व्यथित और आक्रोशित हैं और अपनी बात को सक्षमता से रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उसका कोई समाधान निकालें। इसी प्रकार मैं प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 11 तारीख को तूतामाना रायपुर में उपस्थित हुए। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा।